अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन वाला नान। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बेसन, ये नान, आधा कप मेरे पास बेसन है। यहाँ पे मैंने एक जो है ग्रीन वाला प्याज उसको कट किया है, वाइट और ग्रीन दोनों हिस्से। एक चम्मच जो है वो धनिया है, एक चम्मच पुदीना, एक सब्ज़ मिर्च बड़ी वाली काटी है मैंने, तकरीबन एक चम्मच है कटी हुई, और ये प्याज उसके टमाटर के चार हिस्से करके एक हिस्सा मैंने लिया है ये, और ये भी एक चम्मच है बड़ा कटा हुआ। यहाँ पे एक टेबलस्पून भर के मेथी, ये वो है मेथी, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो, और एक टीस्पून सूखा धनिया क्रश किया हुआ, क्रश की हुई लाल मिर्च, ये काली मिर्च है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च भी एक टीस्पून है, और एक टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, आधा टीस्पून जो है वो मिक्स गरम मसाला है, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है एक टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करते हैं। हम अपने बाउल में ऐड कर लेंगे ये बेसन, आधा कप बेसन है इसको हम, और इसके अंदर ही ये सारे मसाले। इसको हम नॉर्मल सा मिक्स करेंगे, पतला नहीं करना ज़्यादा और ना ही सख्त रखना है ज़्यादा। जब इसके अंदर वेजिटेबल जाएंगी तो थोड़ा सा ये फिर पतला हो जाता है, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह जो है वो अपना पानी छोड़ते हैं। हमारा मसाला मिक्स हो गया बेसन के अंदर, अब हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे। टमाटर एक चम्मच, एक सब्ज़ प्याज, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच पुदीना, और एक चम्मच जो है सब्ज़ मिर्च। इनको हम मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये वैसे तो डीप फ्राई होता है, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूंगी। मैंने चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रख दिया है, और मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। इतनी देर में हमारा ऑयल गर्म होगा, हम बेसन को जो है वो नान के ऊपर लगा लेंगे।
रख दिया नान के ऊपर। और मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, उसके अंदर मैं इसको ऐसे करके रख दूंगी। अब हम इसकी आंच जो है वो मीडियम कर देंगे, और ये वाला जो बचा हुआ बाकी मसाला है इसके ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, फिर वापस इसको पलट के दूसरी साइड से पकाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे इसकी साइड। दूसरी साइड को भी ढक्कन लगा के हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसकी आँच जो है वो मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, बाद में हम इसको थोड़ा सा तेज़ आँच करके उसको फिर हम क्रिस्पी कर लेंगे। अब हम इसको खोल देंगे ढक्कन और इसको थोड़ी तेज़ आँच करके मीडियम सी करेंगे, फिर भी फुल नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर आपका नान थोड़ा सख्त भी हो जाए, खुला बाज़ दफ़ा खुला नान हम छोड़ देते हैं तो वो सख्त हो जाता है, तो ऐसे जब हम उसको दम के अंदर रखते हैं तो ये नान जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिले। दोस्तों, हमारा नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। जो
सॉफ्ट। इसको हम धनिया पुदीने और दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। जी तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।